नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। कांग्रेस पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले हुंकार भर चुकी है। जी हां, जिस तरीके से तमाम नेता यहां पर अपने अपने संसदीय क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं, वहां पर अपनी जमीन तलाशने की शुरू जो कोशिश कर रहे हैं, राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से पूरे देश भर में यात्रा कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बात कर ली जाए तो राजस्थान कांग्रेस के फायर ब्रांड नेता सचिन पायलट इन दिनों न सिर्फ छत्तीसगढ़ के प्रभारी के रूप में अपनी जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं, बल्कि राजस्थान में भी सक्रिय रूप से पार्टी की कार्य गतिविधियों का निर्वहन करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी के द्वारा जो आदेश दिया गया, पिछले दिनों छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में राहुल गांधी पहुंचे, वहां पर एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान यहां पर सचिन पायलट भी उनके साथ दिखाई दिए और उसके तुरंत बाद सचिन पायलट राजस्थान पहुंचते हैं। पार्टी के तैयारियों को लेकर क्या कुछ सचिन पायलट का कहना है, सुनिए जरा। क्या दस साल में आज उस व्यक्ति की रिपोर्ट को लागू नहीं कर पाए, तीन काले कानून बने, दबाव आया तो ड्रॉ कर लिए, एमएसपी को एक अमली जामा पहनाने की बात की गई थी कि एमएसपी का कानून बनना चाहिए, अभी तक इंतजार ने किया नहीं, अभी फिर किसान आंदोलन लगातार चर्चा वार्ता हो रही है, लेकिन ये देखे किसान वर्ग को बहुत कुछ हासिल नहीं हो पाए दस साल में, एक हकीकत है। नौजवानों के लिए रोजगार की बात बीजेपी ने कहा कि 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार पैदा करें, अब वो कहते हैं साहब नौकरी नहीं, हम रोजगार की बात करते हैं, लोन दे रहे हैं, लेकिन वहाँ का साफ दिखाता है कि आज़ाद भारत के इतिहास में इतनी बेरोजगारी आज है, इतनी कभी नहीं हुई, तो शिक्षित नौजवान लड़के लड़की आज रोजगार के लिए तराई लग रहे हैं, उनका भविष्य अंधकार में बदल रहा है, मन में सुरक्षा पैदा हो रही है, ये मैं समझता हूँ बहुत बड़ा एक फेलियर रहा है केंद्र सरकार के 10 साल। UCC पे बात हो रही है, UCC पे आ रहे हैं, उत्तराखंड के बाद राजस्थान में इस पर चर्चा होने लगी है, देखिए वो एक उत्तराखंड में उसको पारित किया गया है, हमने विस्तार से उसको पढ़ा नहीं है, लेकिन UCC को एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाकर जो जिन मुद्दों की मैं बात कर रहा था, महंगाई की, बेरोजगारी की, शिक्षा की, चिकित्सा की, निवेश की, उद्योग की, नौजवानों के भविष्य की, उन विषयों पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं, इसलिए कभी UCC, कभी CAA, कभी मंदिर, कभी मस्जिद, इन बातों पर चर्चा करते हैं, ये उनका एक राजनीतिक एजेंडा हो सकता है, लेकिन देश का एजेंडा क्या है कि आज हम आर्थिक स्थिति हमारी जो है वो और बेहतर हो सकती है, आज हमारी जो पोटेंशियल है उसको भी हम पूरी तरह से उसको हम टैप कर पाए हैं, ये तमाम इशू जनता के सामने हैं, और आज राज्य सरकारें दिल्ली में धरना दे रही हैं, केरल की सरकार, तमिलनाडु की सरकार, कर्नाटक की सरकार, हमारा पैसा नहीं मिल रहा है, एक तरफ तो आप कोऑपरेटिव फेडरल की बात करते हैं, फिर सरकारों का पैसा रोक लेते हैं, तो पक्षपात और भेदभाव होता है सरकार का रंग देख के, किस राज्य में कौन सी रंग की सरकार है उतना हम उसको पैसा आवंटित करेंगे, ये बड़ा एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है, ये जो पक्षपात जो हो रहा है ये बड़ा गलत है और इस पर सरकार का कोई जवाब नहीं आता। अब आप व्हाइट पेपर जारी कर रहे हैं, आप आज 10 साल के बाद आप UPA सरकार की पॉलिसीज को और उसको पोस रहे हैं, अरे वो 10 साल निकल गए, आपने 10 साल में क्या किया है जनता जानना चाहती है, मनमोहन सिंह की सरकार को गए 10 साल हो गए, इन 10 सालों में एक नई जनरेशन सामने आ गई है, उनके लिए आपने क्या किया है, और जो खाई बढ़ गई है आज अमीर गरीब की वो कल्पना से परे है, आज जो 80 करोड़ लोगों को आप सब्सिडाइज खाना दे रहे हो और बोल रहे हो कि हम तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे, ये कहाँ तक सही है, मुझे लगता है कि सरकार को आत्मचिंतन करना चाहिए कि सिर्फ प्रचार प्रसार और प्रोपेगेंडा ये करना ठीक है या नीति निर्माण करकर लोगों के जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में काम। तो आपने सुना सचिन पायलट यहां पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आगामी वक्त में हम मुद्दों की राजनीति करने वाले हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 2024 के लोकसभा चुनाव में मजबूती से चुनाव लड़ने वाली है, इंडिया गठबंधन के तमाम सहयोगी दलों के साथ मिलकर हम चुनाव लड़ने वाले हैं और भाजपा के खिलाफ मुद्दों की राजनीति करने के बाद हम देश की सियासत में फिर से केंद्र की सत्ता पर वापसी करने वाले हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज।